वेलकम टू माय चैनल निशा क्रिएशन। निशा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आपके साथ एक नया आई शेडो पैलेट का रिव्यू आपके लेकर के आई हूँ। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी आपके साथ एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू शेयर किया था, उम्मीद करती हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। गाइज, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। जो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी चिक चिक करके आपसे कह रही थी, वो आज भी मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, ये एक आई शेडो पैलेट है जो जैकलिन हिल्स का है, जो मैं आपके साथ आज इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। शायद आपने देखा भी होगा इस पैलेट के बारे में, इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने इसे अमेजोन से ऑर्डर किया था, तो ये अमेजोन पे मुझे 999 का पड़ा था। उस वक्त कोई डिलीवरी चार्ज नहीं था, 999 में ही मुझे ये पूरा प्रॉपर पड़ा था। तो गाइज, इस पैलेट की अगर हम बात करते हैं तो इस पैलेट में कोई ऐसी खास पैकेजिंग इसकी नहीं है, ये ऐसे मुझे रिसीव हुआ था। ये कुछ ऐसे ही ये पैकेजिंग है इसकी, ये आप देख रहे हैं, यू कैन सी। ये एक मतलब एक मान लीजिए कागज की तरह एक ऊपर का इन्होंने रैपर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इतनी खास कोई पैलेट नहीं है इसकी। तो बाकी जो ओवरऑल जो पैलेट है वो कुछ ऐसा है, आप देख रहे हैं, ये हूबहू मान लीजिए वैसा ही पैलेट है जो मैंने आपके साथ पहले जिस पैलेट का रिव्यू शेयर किया था। लिखा हुआ है द जैकलिन हिल्स पैलेट, तो ये मर्फी का पैलेट है। तो गाइस, ये मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये पैलेट कुछ ऐसा दिखता है, ये पैलेट कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने द पैलेट इज डेडिकेट टू ऑल माई लविंग सब्सक्राइबर। तो बाकी यहाँ पे इन्होंने कोई मिरर नहीं दिया हुआ है, वैसे इन्हें मिरर देना चाहिए था यहाँ पे, एक यहाँ पे कोई भी ऐसा मिरर नहीं दिया गया है, बस एक ऐसे ही मतलब ऐसा पैलेट इन्होंने दिया है मुझे। आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखें, बाकी ये ओवरऑल ऐसा पैलेट है, ये आप देख रहे हैं। और इसके अंदर टोटली आपको 35 शेड्स मिलेंगे, जिसमें से कुछ मैट में है, कुछ पाउडरिंग में है, और कुछ लिटिल बिट कुछ शिमर्स जैसे हैं, जो मतलब ईजली सब में ही होता है। लेकिन जितना भी कहेंगे, ये ओवरऑल ये आई शेडो पैलेट एक अच्छा पैलेट है, काफ़ी अच्छा पैलेट मुझे लगा। अगर मैं थोड़ी सी अगर निराश हुई हूँ तो इसकी पैकेजिंग पे हुई हूँ, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्हें एक मिरर देना चाहिए था वैसे, जो इन्होंने नहीं दिया है। खैर कोई नहीं गाइस, बाकी ये जो है ये पैलेट आपके सामने है, या मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप इसको, ताकि अच्छे से देख सकें। इसमें 35 शेड्स हैं और 35 शेड सारे अच्छे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये शिमरिंग में है, ये जितने भी हैं यहाँ से लेकर के नीचे शेड, ये सारे शिमर में आ रहे हैं। ये देख रहे हैं गाइस, ये ऑसम ये वाला है, इसलिए तो बहुत अच्छी ही मतलब एक जो भी हम अपना लुक क्रिएट करेंगे उसमें ये आई शेड, ये जो दोनों कलर हैं ये आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, तो सारे शेड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ये देखें, मैं आपको कुछ शिमरिंग में जो है देखें, जैसे कि मैंने ये लिया ये वाला शेड, ये देखें, देख रहे हैं, ओ माय गॉड, बहुत ही पिगमेंटेड शेड है ये, और पाउडरी में है। अगर आप इसको कोई भी ऐसा स्मोकी भी अगर आप एक आई शेडो मतलब लुक क्रिएट करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से अपने आईज पे आप ब्लेंड हो जाएगा अपते हैं इसको बहुत आसानी से। जैसे कि मैंने आपको ये शेड दिखाया, अब मैं आपको दूसरा शेड दिखाती हूँ, ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं इसके शेड्स गाइस, वाकई में बहुत अच्छे शेड्स हैं इसके। और मैं आपको एक शेड और दिखाती हूँ जो इसी का ही है, ये देखिए, ये देखिए गाइस, पैलेट तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी इसके जो शेड्स हैं वो सारे अच्छे हैं, ये तो बात की है हमने शिमर पे, मैं आपको एक बार हाथ पे लगा करके दिखा देती हूँ एक बार, शायद तब आपको ज्यादा समझ में आए। ये देखिए गाइस, ये तो इसकी जो हम बात कर रहे हैं वो एक शिमर शेड की बात है, मैं लिटिल बिट कुछ शिमर जैसी आ रही है, बाकी ओवरऑल ये अच्छा ही पैलेट है। और चलिए बात करते हैं इसकी बाकी मैट शेड की, जो मैट शेड है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैट शेड, मैट में जितने भी शेड हैं इसके, एक शेड ये है गाइस, ये मतलब ओवरऑल ये बहुत अच्छा ही पैलेट है गाइस, इसमें हम डाउट नहीं करेंगे। अगर आप ये देखिए, बहुत अच्छा पैलेट है गाइज, ये कोई डाउट नहीं है इसमें,
मतलब इसके जितने भी शेड हैं वो सारे ही काफ़ी अच्छे हैं। खासतौर से मुझे ये दो शेड तो बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, जिससे मैं किसी भी स्मोकी आई में मतलब यूज़ कर सकती हूँ, और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। आप ब्रश मतलब हल्का सा भी अगर आप, इसके पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये देखें तो, अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, देखें इसकी, यानी एक पाउडर जैसा है। मतलब आप अगर इसको ब्लेंड भी करेंगे ना तो ये आप में ज़्यादा मतलब क्या नाम है, इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब आपके जो आई जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। तो गाइज ये था मर्फी का पैलेट जो 399 का पड़ता है गाइज। तो ओवरऑल ये आपको पैलेट कैसा लगा प्लीज़, तो गाइज ये पैलेट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ गाइज आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, और हाँ बेल आइकन का प्लीज़ गाइज बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी अपकमिंग आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँच जाए।